तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पेटीएम चालू कैसे करें। और अगर आप भी पेटीएम चालू करना चाहती हो तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पेटीएम चालू कैसे करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप पेटीएम चालू करना चाहती हो तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके पेटीएम ऐप को लेटेस्ट अपडेट के साथ इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद पेटीएम ऐप को करना है ओपन। जब शुरू में आप पहली बार पेटीएम ऐप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस मोबाइल नंबर से आप पेटीएम चालू करना चाहते हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और याद रखना है जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल रहे हो वो मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में होना चाहिए, क्योंकि आज आपके पास एक ओटीपी आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसेड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेड पर क्लिक करोगे यहाँ पे अलाउ करने के लिए कहेगा, एक बार अलाउ करना है, उसके बाद फिर से यहाँ पे अलाउ करना है, यहाँ पे ओके करना है, उसके बाद प्रोसेस होगा और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पे एड हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों पेटीएम ऐप में हमने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। अब शुरू में ही आपके पास इस तरीके से आ जाएगा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास शुरू में इस तरीके से नहीं आता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से नहीं आता है तो आपको यहाँ पे है कैसे लाना है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास शुरू में इस तरीके से आता है तो कोने में साइड में एक लोगो नजर आएगा, इस लोगो को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपका वो ऑप्शन आ जाएगा। अब शुरू में ही अगर आपके पास इस तरीके से आ जाता है तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। जिस नंबर से आपने पेटीएम अकाउंट अभी चालू किया है वो मोबाइल नंबर जिस बैंक में लिंक है, रजिस्टर है, उस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर आपका स्टेट बैंक में है तो स्टेट बैंक को ओके कर दीजिए, और पंजाब बैंक में है तो पंजाब बैंक में ओके कर लीजिए। अगर आपका कोई भी बैंक है उसमें आपको यहाँ पे ओके करना है। मान लीजिए वो बैंक आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो यहाँ पे एंटर द बैंक अकाउंट नेम, इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट एड भी यानी कि सर्च भी कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। आपका जिस बैंक में अकाउंट है वो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। तो अभी तो दोस्तों हमारा है यहाँ पे सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना बैंक सर्च करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा है आपका जिस भी बैंक में अकाउंट हो उस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास इस तरीके से आएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे नीचे ओके कर देना है, आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अभी हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो गया है। अगर आप पहली बार बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हो और अगर आपने कभी यूपीआई पिन सेट नहीं किया था तो आपको यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। हमने पहले से ही यूपीआई पिन सेट करके रखा है तो सीधा हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड हो गया है, और जो दूसरा पहले हमने जो यूपीआई पिन सेट किया था वही यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार यूपीआई पिन सेट कर रहे हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरीके से आ सकता है। अगर आपके पास यहाँ पे इस तरीके से आता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना एटीएम का जो लास्ट का 6 डिजिट अंक होता है वो यहाँ पे एंटर करना है, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट यहाँ पे आपको एंटर करना होगा जो कि आपके एटीएम पे लिखा हुआ आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप प्रोसेस करोगे आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको 4 डिजिट का एक यूपीआई पिन सेट करना है, यानी कि यूपीआई पिन दोस्तों जो भी आप यहाँ पे डालोगे, कोई भी ट्रांजेक्शन, मोबाइल रिचार्ज कुछ भी करोगे तो ये यूपीआई पिन वहां पे आपको काम आएगा। तो यहाँ पे 4 डिजिट का यूपीआई पिन आपको सेट कर लेना है।
उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे डालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक, यूपीआई पिन सेट हो जाने के बाद आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप आराम से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों स्कैन एंड पे पर जाके आप यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो, मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट में भी एड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों बैलेंस एंड हिस्ट्री पे जाके आप बैलेंस चेक कर सकते हो, पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन कर सकते हो, पेटीएम वॉलेट का यूज कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी काफी सारे ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे कि पेटीएम कैसे चालू करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में।